हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल एनसेलरी का फाइनल मेरिट लिस्ट ग्रुप बी का डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अटेस्टेशन फॉर्म किस लिए दिया गया है, ये फॉर्म किस लिए भरा जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट चल के। और ये मैं बता दूं कि ACDF का कब तक आएगा मेरिट लिस्ट, तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि सर ये कब तक आएगा, मैं उसका भी डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आई है ग्रुप बी की डिक्लेयर कर दी गई है। अब ग्रुप बी की डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर बताया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन वीक नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ एक से दो वीक में बोल रहा हूँ, एक से दो वीक के अंदर अंदर ही सभी ग्रुपों का एक एक बारी बारी करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, निर्देश जो इंस्ट्रक्शन जो दे रखी है बच्चों के लिए, जो एम्पैनल्ड कैंडिडेट्स हुए हैं सभी को बता रहा हूँ कि एम्पैनल्ड कैंडिडेट जो हुए हैं सभी के एग्जाम जो होगा मेडिकल एग्जाम होने वाला है, और वो मेडिकल एग्जाम को उसका जो फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म जारी किया जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो आपके जो भी है ना, जो भी सबमिट किया जाएगा। देखिए क्या बताया जाए, अटेस्टेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर सभी उम्मीदवार भरकर चिकित्सा परीक्षा में ले जाएं, जमा करना है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म किस लिए दिया जाएगा, आपका अटेस्टेशन फॉर्म में दिया जाएगा कि क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। वो अटेस्टेशन फॉर्म जो बच्चे ने भरा है, जो बच्चे ग्रुप ई से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने एम्पैनल्ड जो कैंडिडेट्स हुए थे उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म भरा भी है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज लगती है, जो भी, अगर आप CR से बिलोंग करते हो, CR रीजन से बिलोंग करते हो, WR से रीजन से बिलोंग करते हो, WCR रीजन से बिलोंग करते हो, SC CR रीजन से बिलोंग करते हो, तो इस फ़ोन नंबर पर आप ये देखिए, एक फ़ोन नंबर है और यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, तो इन दोनों में से कोई में आप कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेरीज हैं तो इस पर फ़ोन करके पूछिए, ताकि जो भी आपकी इंक्वायरीज है सभी की सभी जो है ना फुलफिल कर दिया जाएगा RPF द्वारा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक की बातों को मत ध्यान दीजिए कभी भी, कि कोई भी YouTube वाले चैनल क्या करते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, बोलते हैं कि ये आ गया, डिक्लेयर कर दिया डेट, रिजल्ट आ गया, वो आ गया, ये हो गया। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि हमारे चैनल द्वारा जो रियल जो ऑथेंटिक वीडियो बनता है बस आपके लिए बनता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए इसमें बात करते हैं फ्रेंड, अब बात करते हैं, देखिए ई और बी का आ चुका है, ए और बी का आ चुका है, तो सी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो मैं बता दूं कि ए और सी और डी और एफ, ये चारों का पहले, अभी देखिए मेरे हिसाब से लगता है कि एफ आने वाला है, एफ का 1 से 2 वीक के अंदर आ जाएगा, एफ आएगा नहीं तो सी आएगा, सी या एफ में से दोनों में से कोई है, क्योंकि दोनों अरेंजमेंट है, तो ये RPSF के लिए है और सी जो है ना दोनों के लिए है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, दोनों में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है मुझे कि सी का आने का, क्योंकि सी में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि चिकित्सा परीक्षण में जाने के टाइम आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, और वहीं से इसको फॉर्म फिल करके, जो भी अटेस्टेशन फॉर्म है फिल करके वहाँ पर जमा कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है किस प्रकार से भरना है, और ACDF का कब तक आया जाएगा। मैंने बताया फ्रेंड्स कि 1 से 2 वीक, मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि 1 से 2 वीक, क्योंकि RPF का बहुत सारा एग्जाम चल रहा था जिसका मेडिकल हो रहा है, और वो मेडिकल कंडक्ट होते होते थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन RPF बहुत ही जल्दी अपना कार्य करता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, SSC द्वारा, ये SSC जो अलग डिपार्टमेंट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा दिन लग जाता है, लेकिन RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ज़्यादा दिन नहीं लगता है, सारे के सारे काम लीनियरली हो जाते हैं और वो भी जल्दी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है फ्रेंड्स, आपको जॉब मिलेगी और जॉब अभी अच्छी खासी मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।